ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के इस बेहद के घर में आज विशेष कुमारियों की बट्टी का शुभारंभ है और आप सभी इतनी संख्या में भारत के विभिन्न स्थानों से पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। विशेष हमारी परम आदरणीय रतन मोहिनी दादी की ओर से, सभी दीदियों की ओर से एवं वरिष्ठ भाई बहनों की ओर से तथा सभी मधुबन निवासियों की ओर से आप सभी बहुत बहुत इस भट्टी में प्राप्ति का अनुभव करो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आज जब इतनी कन्याओं को विशेष देखते हैं तो वतन से बाबा को भी बहुत खुशी होती होगी और बाबा के संग संग हमारी अव्यक्त मूर्त दादियों को भी कितनी खुशी होती होंगी, अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी और भी जो भी आदि रत्न दादियां गई हैं, लगता है कि वतन से आप कन्याओं के ऊपर विशेष गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और वरदानों से पहले से ही भरपूर कर रहे हैं ताकि आपकी ये भट्टी बहुत सुंदर अनुभव युक्त हो, प्राप्ति युक्त हो और इतना भरपूर होकर के जाओ जो जो भी आपको देखे वह भी ये महसूस करे कि ये जैसे धरती के ऊपर चैतन्य फरिश्ते उतर आए हैं, ऐसी अनुभव युक्त आपकी ये भट्टी हो। आज का जो विषय विशेष मुझे दिया गया है कि अमृत वेले का महत्व, ब्राह्मण जन्म जैसे ही मिलता है तो ब्राह्मण जीवन के लिए ये समय संगम का पूरे कल्प के हिसाब से अमृत वेला ही माना गया है, क्योंकि जिस तरह सतयुग को त्रेतायुग को दिन का समय कहा, द्वापर कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहा, तो संगम युग है अमृत वेले का समय। तो कल्प के हिसाब से भी ये पूरा समय अमृत वेला है और इसलिए इस संगम के समय को भी विशेष वरदानी समय माना गया है। लेकिन इस वरदानी समय में भी अमृत वेला विशेष वरदानी माना गया है कि जिसके जिस समय के अंदर जो प्राप्ति करना चाहो
जो अनुभव करना चाहो उसको बहुत सहजता से अनुभव कर सकते हो। वैसे भी दुनिया के अंदर भी ये कहावत है कि सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना, यही मनुष्य के अंदर की प्रज्ञा शक्ति को बढ़ा देता है। इंग्लिश में भी इसलिए कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। उस समय स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, उस समय समृद्धि भी प्राप्त होती है। स्थूल समृद्धि की बात नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर अनेक खजानों की प्राप्ति होती है, ये समृद्धि आती है। और तीसरा विजडम, अर्थात वो रूहानी शक्ति आत्मा के अंदर अनुभव होती है, उसकी बौद्धिक शक्ति का विकास, बुद्धि की प्रभा खिलने का समय अमृत वेला माना गया है। और मैं समझती हूं जो भी कन्याएं आई है सभी ने ब्राह्मण जीवन लेते ही अमृत वेले का अनुभव तो किया ही होगा, करते हैं अनुभव अमृत वेले, जो उठते हैं रेगुलर, जब से बाबा के बच्चे बने तब से लेकर के, जरा हाथ तो उठाओ सभी कन्याएं जो अमृत वेला करती है रेगुलर, कभी मिस नहीं करती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, फिर भी ऐसा लगा 50% हाथ उठे और बाकी क्या करती है, सोई रहती है। नहीं, इस अमृत वेले के महत्व को जिसने समझा है उसको नींद आ नहीं सकती है। तो ये हो सकता है कि अमृत वेले के महत्व कोई नहीं समझा है, इसलिए उस समय का जो लाभ लेना चाहिए वो ले नहीं सकते। कहा जाता है भक्ति मार्ग में भी कि उस समय भगवान भाग्य विधाता के रूप में होता है, और वो बच्चों के हाथ में भाग्य की कलम दे देता है कि जितना श्रेष्ठ भाग्य खींचना चाहो आप खींच लो, खुली छूट है। इसीलिए जब किसी के भाग्य की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है कि भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या, क्योंकि सारी रात भले नींद नहीं आएगी लेकिन 2-2.5 बजे के बाद जो नींद लगती है ना वो भी बहुत मीठी नींद लगती है। और 3 से 5 ये 2 घंटे की नींद भी अगर मिल जाती है ना तो फ्रेश हो जाता है व्यक्ति। क्यों मीठी नींद आती है, क्योंकि माया नहीं चाहती है कि आप ईश्वर से भाग्य प्राप्त कर लो, इसीलिए 2 बजे तक नींद नहीं आएगी, 2.5 बजे तक नींद नहीं आएगी, लेकिन 3 बजे के बाद इतनी अच्छी नींद लगती है तो माया भी कहती है अब सो जा शांति से, तुम्हें भाग्य लेने की आवश्यकता नहीं है, सो जा। और वो बहुत मीठी नींद में सुला देती है, जो 2 घंटे की नींद में आप फ्रेश हो जाएंगे। तो इसीलिए भाग्य विधाता का समय भी वही है
और माया के निद्रा में ले जाने का समय भी वही है। अब हमारी चॉइस है कि हमें क्या चाहिए, भाग्य चाहिए या नींद चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जिन सोया तिन खोया, है ना। जो सोता है वो खोता है और जिन जागा तिन पाया। जिसने इस समय के महत्व को जान करके जाग गया उसने सब कुछ अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लिया। ये समय का महत्व क्यों है उसके पीछे साइंस भी बहुत लॉजिक देता है और साइंटिफिक लॉजिक यही है कि जैसे सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा होता है, तो उसी समय पेड़ पौधे सोते हैं। इसीलिए रात्रि के समय में अगर आप कोई फूल तोड़ने जाओ तो बड़े क्या कहेंगे, अभी नहीं तोड़ो, सुबह तोड़ना। पूछा जाए क्यों तो कहेंगे अभी पेड़ पौधे सो गए हैं, इसलिए सुबह तोड़ना। पेड़ पौधे सो जाने का मतलब है कि जो उनकी साइकिल है वो साइकिल चेंज हो जाती है। सारा दिन पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं लेकिन जैसे ही रात्रि होती है वो अपनी साइकिल चेंज करते हैं, वो ऑक्सीजन लेना चालू करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना चालू करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है तभी व्यक्ति को भी उबासी आना चालू होती है। उबासी क्यों आती है, ऑक्सीजन की कमी जैसे होने लगती है तो उबासी आती है। तो इसीलिए ये प्रकृति के अंदर ये सिस्टम बनी हुई है कि ताकि हम सो जाएं, तो इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। और जैसे ही अमृत वेला होता है, सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा, उस समय फिर ये पेड़ पौधे अपनी साइकिल को चेंज करते हैं, अर्थात के ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेना चालू करते हैं। तो अमृत वेले जो ऑक्सीजन होता है, फ्रेश ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं, वो फ्रेश ऑक्सीजन अमृत के बराबर होता है। वो हमारी बुद्धि को बहुत खिलाता है। जिस भी विषय पर जो व्यक्ति पढ़ाई में भी आगे बढ़ना चाहे और अमृत वेले उठ करके वो पढ़ता है तो वो फ्रेश ऑक्सीजन ऐसा अमृत पान कराता है जो उसकी मेमोरी को बहुत ज्यादा विकसित कर लेता है। इसलिए पहले के समय में माता पिता बच्चों को यही कहते थे कि बेटा रात को पढ़ने के बजाय रात को सो जाओ और सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना, याद रहेगा। वो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि जब सो करके उठते हैं अमृत वेले और उस समय में वो टॉनिक जो मिलता है फ्रेश ऑक्सीजन का, वो हमारी मेमोरी को इतना मजबूत कर देता है, इतना विकसित करता है कि इंसान जो हासिल करना चाहे दुनिया के अंदर वो हासिल कर सकता है। इतनी उसमें पावर होती है, टॉनिक होता है। तो इसीलिए कहा कि साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो बौद्धिक क्षमता को विकसित करने का यही समय है, आध्यात्मिक प्रज्ञा खुलने का यही समय है। और इस समय में व्यक्ति की स्मृति शक्ति बहुत पावरफुल हो जाती है। अनुभव करके देखना आप, लेकिन उसके लिए जैसे कहा जाता है जल्दी सोना,
बहुत आवश्यक है। लेकिन आजकल एक साइंस का खिलौना जो मिला है क्या करता है, लोग अक्सर रात को ही उसको चेक करना चालू करते हैं, चैट करना शुरू करते हैं और उसमें समय का पता ही नहीं चलता है और 12-1 बज जाते हैं। नहीं, दुनिया में भी कहा जाता है कि जब योगी सोता है उस समय भोगी जागता है और जब भोगी सोता है तब योगी जागता है। इसीलिए ये मोबाइल को बहुत अच्छा साधन है, लेकिन इस साधन के ऊपर भी हमारा अंकुश हो, हमारा कंट्रोल हो। ये मेरी लाइफ को चलाने लगे ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उसका मालिक बन करके उसको चलाऊं, ये होना चाहिए। तो इसीलिए जो चेक करना है आप पहले चेक कर लो और समाप्त कर लो, और रात्रि के समय में जितना हो सके आप बाबा को याद करके सो। अपनी मानसिक भूमिका ऐसी बना दो कि रात के समय जैसे सारे दिन की दिनचर्या को आप सामने ले आओ, आज की दिनचर्या में मेरे से क्या क्या गलती हुई, कौन सी कमजोरी ने विशेष मेरे ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया, कौन सी कमजोरी के अधीन हो गई, ये सब देखने के बाद बाबा को जैसे सारे दिन का नफा नुकसान सौंप दिया, क्या सारे दिन में क्या अच्छा हुआ क्या अच्छा नहीं हुआ, ये सब कुछ सौंपने के बाद आप हल्के हो जाओ। और हल्के होकर के फिर आप जैसे बाबा को कहते, बाबा सुबह मुझे अमृत वेले जल्दी उठा देना, तो बाबा का कार्य बाबा करना चालू करते हैं कि बाबा सुबह हर एक के खटिया के पास जाकर के उसको उठाते हैं। कई लोगों ने अनुभव भी किया है जैसे खटिया हिली, जैसे बाबा ने हाथ फेरा, ये भी अनुभव होता है। लेकिन वो तब कि जब सोने से पहले हम अपनी भूमिका इस तरह से बनाएं कि बाबा को सब सौंप करके सारे दिन की दिनचर्या सारी सुना करके फिर बाबा के गोदी में हम सो जाएं, तो सुबह उठाने की जिम्मेवारी भी बाबा की है। लेकिन अगर ये साइंस के साधनों में हम लगे रहे फिर बाबा की जिम्मेवारी नहीं है। फिर आप सोचो कि भाई मैं तो सुबह उठना चाहती थी लेकिन रात को नींद ही नहीं आई। और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि भाई चलो 1 बज गया 2 बज गया अब बाबा को गुड मॉर्निंग करके ही सो जाते हैं। गलत बात हो जाती है ना ये। तो इसीलिए ये साइंस के साधन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मेरे जीवन को गुलामी वाली जीवन न बनाए, मेरे मन तन के ऊपर उसका अधिकार न हो, मेरे तन मन के ऊपर बाबा का अधिकार हो। तो इसीलिए उसको बहुत जल्दी चेक करके जो करना है आप पूरा कर लो, और फिर बाबा को याद करते हुए फिर उसके बाद सो जाओ। कई बार बाबा ये भी बताते हैं, हमारी दादियां ये अनुभव सुनाती थी कि एक बार साकार में बाबा कुछ दादियों को लेकर के आधी रात में कहा, चलो देखते हैं बच्चे कैसे सोए हैं। तो जैसे बाबा दादियों को लेकर चक्कर लगाने गए तो जहां सोए हुए थे बच्चे, तो देखा कि जैसे ही बाबा ने प्रवेश किया तो एक बहन तो एकदम उठ करके बैठ गई बाबा की याद में, या पहले से ही जैसे कोई आ रहा है या आभास उसको हो गया और वो बैठी हुई थी। फिर जैसे बाबा चक्कर लगाया रहे थे
तो कुछ बहने जो है बाबा जैसे ही नजदीक से जैसे गुजरा तो वाइब्रेशन उन्हें महसूस हुआ, उठ करके बैठ गई। और आगे जैसे बाबा गए तो देखा कि कुछ बहने आंख तो खोली, देखा भी बाबा को, लेकिन फिर ऐसे हो गई, नींद आ गई। और चौथे प्रकार के थे जो खराटे ले रहे थे, जो जागे ही नहीं, बाबा आकर के चले गए। तो बाबा ने उसका रहस्य यही बताया कि जो पहले से बाबा आने के जैसे आभास जिनको हुआ और बैठ गई याद में, तो बाबा ने उसको कहा बच्ची की नींद सतो प्रधान है, सतो प्रधान निंद्रा है। जो बाबा के पहुंचने के बाद उस वाइब्रेशन को फील करके उठ करके बैठी, बाबा ने कहा ये सतोर स्टेज है। और जो आंख खोली, करवट बदली और उसके बाद जैसे बाबा आगे गए सो गए, उसको बाबा ने कहा रजो प्रधान निंद्रा। और जो खराटे लगा रहे थे, उठे ही नहीं, क्या कहा होगा बाबा ने, तमो प्रधान निंद्रा। तो बाबा कहे तुम बच्चों की निद्रा भी कैसी होनी चाहिए, सतो प्रधान निद्रा होनी चाहिए। और सतो प्रधान निद्रा जब होती है तो सहजता से उठना और सोना, जैसे सो करके उठ गए लेकिन पता ही नहीं चला, और इतने फ्रेश होकर के उठते हैं। तो इसीलिए कहा कि ये समय को वरदान है। एक तो प्राकृतिक रूप से भी फ्रेश ऑक्सीजन जो टॉनिक देता है, ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करता है। और ये अनुभव करके देखो आप, दुनिया के अंदर जितने भी जीनियस लोग हुए हैं, जो अपने अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़े हैं, उन सभी की बायोग्राफी अगर पढ़ेंगे आप तो उनकी बायोग्राफी में ये जरूर आपको मिलेगा कि ये अमृत वेले के समय उठ करके उस विषय को लेकर के पढ़ते थे तभी इतने मास्टर। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी के लिए कहा जाता है कि वो आयरन लेडी थी, और आयरन लेडी कैसे थी तो उसकी बायोग्राफी में ये बात आती है कि वह सुबह 4 बजे से पहले उठ जाती थी और पॉलिटिक्स को इतना पढ़ती थी कि उसको पॉलिटिक्स में कोई मात नहीं दे सकता था। आयरन लेडी बन गई, जिसने 16 साल लगातार भारत पर राज्य किया। तो इसीलिए कहा कि जिस भी फील्ड में, इसी तरह स्वामी विवेकानंद को देखो, जो भी ऐसी महान पर्सनालिटीज हो गई दुनिया की, उन सभी महान पर्सनालिटीज की अगर बायोग्राफी को पढ़ेंगे आप तो उसमें यही पाएंगे कि उन्होंने अमृत वेले अपनी बुद्धि को विकास किया। और ये अनुभव हमने भी करके देखा, इसका प्रयोग हमने भी करके देखा कि भले लौकिक पढ़ाई इतनी न होते हुए भी अगर बाबा की आध्यात्मिक पढ़ाई में आगे बढ़ने का अगर इतना चांस मिला, इतना वरदान मिला, तो वो वरदान कैसे मिला, जब अमृत वेले उठ करके उस चीज को जैसे वरदान के रूप में अनुभव किया। तो भाग्य को पलटते देखा है, क्योंकि उस वक्त भाग्य विधाता भाग्य की कलम आपके हाथ में दे देते हैं कि जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच लो, फ्री है आप। लेकिन अगर उठने के बाद आप बैठे, चलो भाग्य विधाता मेरे हाथ में कलम दे देंगे और मैं बहुत लंबी लकीर खींच लूंगी, लेकिन जैसे कहा कि माया भी उस समय विशेष ध्यान रखती है कि कोई बच्चा भाग्य ले ना पाए, उसका भी ये काम है। तो
तो वो क्या करती है, बैठे तो सही लेकिन बैठे हैं तो बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में ऐसा हो जाता है, होता है ना। अब हाथ में कलम हो, आपके हाथ में आप नोटबुक पेंसिल लेकर के बैठे हैं और आप देखो कि आप लिख रहे हैं और जैसे नीचे होता है ऐसा सिर नीचे होता है तो ये लकीर नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, हाँ आप अनुभव करेंगे वो लकीर नीचे जाती है, कभी ऊपर नहीं जाएगी। तो ये कायदा है। तो इसीलिए जैसे ही माया हल्की निद्रा के उसमें अवस्था में डालती है आपको और लकीर नीचे आ जाती है, फिर आप उठ करके बैठते, फिर लकीर ऊपर खींचने का प्रयत्न कर, फिर नीचे कर देती है, फिर ऊपर कर, तो ये ऊंच ऊपर नीचे जो आपका भाग्य चलता है, ऊंचाई नीचाई जो जीवन के अंदर आती है, ये क्यों आती है? अगर आप कहो बाबा मैं तो रोज अमृत वेला बैठती थी, फिर मेरे भाग्य की रेखा नीचे क्यों गई, तो बाबा भी क्या कहेगा कि मैंने तो कलम तेरे हाथ में दे दी थी और तुमने नीचे किया, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूं, बाबा जिम्मेवार है क्या? नहीं। इसीलिए अलर्ट होकर के जब बैठते हैं, हाँ आप फ्रेश होकर के बैठो, आप समझते हो कि आपको नींद आएगी, अगर आपके पास टाइम है तो स्नान करके बैठो, अच्छा स्नान करने का इतना टाइम नहीं है तो अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धुलाई करके बैठो, लेकिन फुली अवेक स्टेज में बैठो। अगर आप समझते हैं कि नहीं उस समय आपको चाय दूध गर्म पीना जरूरी है तो गर्म पानी भी पी करके या चाय पी करके बैठो, लेकिन कोई ना कोई युक्ति स्वयं के लिए अपनाओ। वैसे तो कहा जाता है कि एक हेल्दी व्यक्ति को 4 घंटे से ज्यादा नींद की आवश्यकता नहीं है, ये कहा जाता है। 4 घंटे में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उसके बाद आपको नींद आए, ये साइकोलॉजी है कि भाई 4 घंटा सोई हूं अभी और थोड़ा नींद आती है, ये साइकोलॉजिकली है। लेकिन अगर उस साइकोलॉजी बैरियर को आप तोड़ देंगे तो फिर आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं है और आप जो है उसको उठ करके सुबह सुबह एकदम फ्रेश होकर के, अगर आप समझते कि मुझे नींद आएगी तो बहुत अच्छी विधि है कि सुबह सुबह आप 10 मिनट ओम की ध्वनि करो, ओम की ध्वनि करो या डीप ब्रीदिंग करो, खिड़की दरवाजा खोल करके फ्रेश ऑक्सीजन जो है उसको आने दो और बहुत डीप श्वास लेकर के डीप ब्रीदिंग करके वो ऑक्सीजन अंदर ले लो तो फ्रेशनेस आ जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, बॉडी जब बढ़ जाती है शरीर के अंदर तो नींद आती है, इसलिए उस बॉडी को निकाल दो और उसके लिए ओम की ध्वनि, जैसे बाबा शुरू में ओम की ध्वनि कराते थे वो इसीलिए कराते थे ताकि आप ओम की ध्वनि करते हैं तो वो फ्रेश ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, वो बॉडी बाहर निकलती है और उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी। तो 5 मिनट ओम ध्वनि कर लो आप या डीप ब्रीदिंग कर लो और डीप ब्रीदिंग करके फिर आप योग में बैठो, लेकिन लक्ष्य रखो कि मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, ये लक्ष्य रखो, क्योंकि उस समय बाबा किस स्वरूप में होते हैं, बाबा के भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं और जो अनुभव करना चाहते हैं वो बाबा अनुभव कराने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उस समय साइलेंस में नहीं बैठना है। मुझे याद आता है कि दीदी का दिन आ रहा है 28 तारीख जुलाई की, तो बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी जब थे तो दीदी के पास हम गुड मॉर्निंग करने जाते थे सुबह सुबह, तब जाते थे ना तो दीदी थोड़ी देर के अंदर चार्ट ले लेती थी, दीदी की विशेषता थी, पता भी नहीं चलता था और चार्ट ले लेती थी।
तो जब हम दीदी के पास गए गुड मॉर्निंग करने, तो दीदी ने कहा अच्छा आओ, है ना। दीदी बहुत प्यार से कहती थी आओ मेरी सखी, आओ आओ, ऐसे करती थी बड़े प्यार से। तो हम तो बहुत छोटे थे, फिर भी दीदी हमको सखी कहती थी, आओ मेरे सखी आओ। फिर पूछती थी अच्छा उषा आज अमृत वेले किया था? मैंने कहा हाँ किया था। अच्छा ये बताओ आज बाबा से कैसा मिलन मनाया तुमने, किस रूप में मिलन मनाया? तो मुझे समझ में नहीं आया इतना, नहीं नहीं तो थी मैं। तो मैंने दीदी के सामने कहा दीदी आज है ना मैंने साइलेंस का अनुभव किया। तो दीदी को बड़ी हंसी आई, खूब हंसी। मैं देखती रही कि मैंने कुछ गड़बड़ किया, मैंने कुछ गलत बोला। फिर वहां मोहिनी दीदी भी बैठे थे, तो दीदी ने मोहिनी मैन को पूछा अच्छा मोहिनी तुमने अमृत वेला किया? मोहिनी मैंने कहा किया। तो कहा आज तुमने किस रूप से बाबा को याद किया? तो मोहिनी दीदी ने कहा आज तो मैंने बाबा के साथ साजन का रूप में मिलन मनाया। फिर दीदी ने मेरे को कहा कि अमृत वेले कोई साइलेंस का अनुभव थोड़ी करना होता है, साइलेंस का अनुभव करना माना तू सो गई थी। शिक्षा कैसे देती है देखो, है ना, चार्ट भी ले लेती है और गलती करते हैं तो शिक्षा भी दे देती थी कि साइलेंस माना सो गई तुम, तुमने आज प्राप्ति कुछ नहीं किया, क्योंकि अमृत वेले प्राप्ति का समय है, तो उस समय साइलेंस में थोड़ी बैठना होता है, और साइलेंस में जो बैठेगा वो नींद में जरूर जाएगा। फिर मैं अपने आप को देखने लगी कि हाँ मुझे बीच बीच में झुटके आ गए, है ना, तो साइलेंस में होने कारण ही तो झुटके आ गए। फिर दीदी ने बताया समझाया कि अमृत वेले बाबा सर्व संबंधों का सुख देने के लिए बैठा है, तो उस समय सर्व संबंधों से याद करो। जैसे मोहिनी दीदी ने कहा कि भाई आज मैंने साजन के रूप में याद किया, तो दीदी कहे कभी साजन के रूप में याद करो, कभी उसको दोस्त के रूप में याद करो, कभी उसको माता पिता के रूप में याद करो। तो कोई ना कोई संबंध के आधार पर पहले से ही फिक्स करो कि आज बाबा के साथ मुझे ये संबंध का अनुभव करना है, तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि वार्तालाप होगा, है ना, बाबा के साथ हमारा वार्तालाप होगा। अगर उस समय मन को साइलेंस कर दिया तो नींद आनी है, क्योंकि नींद में जाने से पहले मन शांत हो जाता है, इसीलिए अगर मन शांत हुआ तो आप नींद में ही जाएंगे। इसीलिए बाबा के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ लो, और उस समय उस संबंध के आधार से बाबा के साथ रुझान करो, बातें करो, और बाबा उस संबंध का सुख आपको देगा। तो ये अमृत वेले बैठने का तरीका दीदी ने बताया कि उस समय साइलेंस में कभी नहीं बैठना होता है, या तो आप कोई ना कोई संबंध जोड़ो, बाबा से बातचीत करो, या बाबा जैसे कहा वरदाता के रूप में होता है उस समय, और वरदाता के रूप में होता है वरदान लुटाने के लिए बैठा है बाबा, तो जो बाबा से वरदान लेना चाहो आप वो वरदान ले लो। और बाबा ने बताया है कई मुरलियों में कि अमृत वेले जब आप कोई भी कार्य में सफलता का वरदान चाहते हो, तो उस समय सुबह सुबह अपने मस्तक पर ऐसा महसूस करो जैसे बाबा आपको विजय का तिलक दे रहा है। अमृत वेले ये महसूस करो जैसे बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे सफलता का वरदान दे रहे हैं। तो ये वरदान प्राप्त करने का समय है। जैसे मान लो कि दिन में आपको कहीं जाना है, कोई विशेष सेवा अर्थ जाना है,
तो अमृत वेले बाबा को सुनाओ कि आज मुझे इस सेवा के लिए जाना है और बाबा आपको साथ चलना है, बाबा को भी निमंत्रण देना होगा। तो बाबा को जब निमंत्रण देते हैं बाबा साथ चलता है, लेकिन अमृत वेले बाबा को विशेष निमंत्रण दो। उस समय जब बाबा के कमरे से होकर जाते हैं वो बात अलग है, कि उस समय जैसे बाबा को कहते अभी चलो, है ना, लेकिन अमृत वेले विशेष बाबा को निमंत्रण देना होता है, बाबा आज ये विशेष सेवा अर्थ हम जा रहे हैं और आपको साथ चलना है और ये कार्यक्रम में ये मेरा रोल है, तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो जब बाबा को ये बात सुना देते हैं आप दिन भर की कि क्या क्या करना है आपको, और उसमें तो बाबा उस कार्य के लिए जैसे वरदान की झोली आपकी भर देता है। उस समय आप महसूस करेंगे कि जैसे बाबा ने आपको इतना भरपूर कर दिया कि उसके बाद आपको कोई बात का टेंशन नहीं होगा, नर्वसनेस नहीं आएंगी, एंजाइटी नहीं होंगी, लेकिन ऐसा महसूस होगा सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, ये फीलिंग आएगी, डर नहीं लगेगा। नहीं तो अक्सर कन्याओं को डर लगता है, तो डर नाम की चीज आपके जीवन से गायब हो जाएंगी जब बाबा को अमृत वेले निमंत्रण दे करके, वरदान ले करके, सफलता स्वरूप का वरदान जैसे ले लिया, तो बस उसके बाद आप देखो वो कार्यक्रम बाबा कितना सक्सेसफुल बना देता है, ये आप खुद महसूस करेंगे। उसके लिए जो समर्थी चाहिए वो समर्थी भी बाबा भर देता है। बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी कि अमृत वेले बाबा भोलेनाथ के रूप में होता है, बहुत भोला स्वरूप होता है, और इतना भोला होने के कारण जो प्राप्ति करना चाहो उस भोलेनाथ से वो आप प्राप्ति कर सकते हो। बस आप सिर्फ अपने आप को बाबा के सामने सरेंडर कर दो कि बाबा मैं जो हूं, जैसी हूं, आपकी हूं। सरेंडर हो गए जैसे बाबा के सामने बुद्धि से, तो बाबा जैसे स्वीकार कर लेता है, बाबा बाहें पसारे जैसे सब बच्चे को गले लगा देता है, ये आपको अनुभव होगा कि बाबा ने आप जो है जैसा है वैसे स्वीकार किया, तो बाबा के प्यार के अधिकारी हो गए, क्योंकि बाबा इतने भोलेनाथ के रूप में होता है, महादानी स्वरूप में होता है बाबा। इसलिए कहा सर्व संबंधों का सुख देने के लिए होता है, भाग्य विधाता के रूप में होता है, वरदाता के रूप में होता है, महादानी बन करके जो चाहिए वो इसी समय आपको मिलता है ना? तो इसीलिए ये समय ही ऐसा है कि भोलेनाथ बाबा जैसे लुटाने के लिए बैठे हैं, वरदानों को लुटाने के लिए बैठे हैं, जो चाहिए वो खजाना देने के लिए बैठे हैं। आपको कोई भी शक्तियों का खजाना चाहिए, मान लो कि आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, अमृत वेले उस शक्ति का आवाहन करो, और आवाहन करते हुए आप देखेंगे कि आपकी कमी जो है वो बाबा भर देता है, और वो शक्ति का खजाना आपको दे करके ऐसा सशक्त कर देता है कि उसके बाद कोई भी चीज की चाहना नहीं होती है। ये फील करके देखो आप। इसलिए कहा कि अमृत वेले साइलेंस में बैठने का नहीं होता है, ये याद रख लेना। ये नहीं कि मैं साइलेंस में बैठूं, नहीं, हाँ नमः शाम के समय आप साइलेंस में जरूर बैठ सकते हैं, दिन के समय आप बैठो तो उस समय शांत होकर के, मन को शांत करके बैठो, वो बात अलग है, लेकिन अमृत वेले तो विशेष बाबा से प्राप्ति का समय है, भरने का समय है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं वखर भर लो अपने अंदर, तो भरने का समय है,
और ऐसा भर लो कि सारा दिन उसके आधार पर आप इतना हल्का महसूस करो और हल्के होकर के जैसे चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं, ये फील करेंगे। जिस दिन आपका अमृत वेला ऐसा पावरफुल हुआ ना, उस दिन आप अनुभव करेंगे जैसे आप चल नहीं रहे हैं लेकिन आप स्वयं में एकदम हल्कापन महसूस करेंगे। कई बार कई बच्चे बाबा कहते हैं ना कि नेमी नाथ बन करके बैठ तो जाते नियम अनुसार, है ना, नियम अनुसार बैठ तो जाते हैं लेकिन फिर मिक्की माउस के खेल भी बहुत दिखाते हैं। कोई ऐसे गिर रहा है, कोई ऐसे गिर रहा है, कोई ऐसे गिर रहा है, कोई ऐसा ऊपर चला जाता है ना। तो अलग अलग मिक्की माउस के खेल बाबा को नजर आते हैं। पावरफुल याद में बहुत कम बच्चे बैठते हैं और वही वेला है जो अपने आप को, जिसको कहा जाए कमी कमजोरी और जो डिफेक्ट्स है उसको भरने का। जो कमी माना जो हमारे अंदर लैक कर रहे हैं, हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं मेरे में नहीं है, तो कमियां, जो कमजोरियां है, जो कोई ना कोई संस्कार है, उस संस्कार को मुझे परिवर्तन करना ही है। वो कमजोरी वाला संस्कार समाप्त होना चाहिए, ये जिसका लक्ष्य है। और कोई ना कोई जैसे अंदर में डिफेक्ट है उसको भरना है, तो अमृत वेले बैठो और बाबा हर प्रकार की शक्ति से आपको इतना सशक्त कर देगा जो आपकी वो कमी कमजोरी को सदा के लिए भर करके आपके संस्कारों में सहजता से परिवर्तन ले आएगा। इसीलिए बाबा कहे कि ये वेले के महत्व को समझो, ब्रह्म मुहूर्त उसको कहा गया। देखो ये राशि मैच करती है, एक तो ब्रह्मा, ब्रह्म मुहूर्त और ब्राह्मण, ये तीनों राशि मैच करती है। तो उस समय शिव बाबा तो भोलेनाथ के रूप में होता ही है लेकिन ब्रह्मा बाबा भी देने के स्वरूप में होता है, दाता के स्वरूप में होता है। तो दोनों बाप दादा दोनों ही वरदाता विधाता और दाता के रूप में होते हैं, इसीलिए प्राप्ति करना अति सहज है। तो बोलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, उसके बाद कई लोग सोचते इसके बाद थोड़ा सो जाए, सोना चाहिए? नहीं। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि दुनिया के अंदर जो जीनियस लोग हो गए वो अमृत वेले उठ करके थोड़ी देर ध्यान करते थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, ऐसे जो महान पर्सनालिटीज हो गए, ध्यान करने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त की उस ऊर्जा को चैनलाइज करो। जिसमें आप लगाना चाहते हैं या तो मुरली पढ़ो, मुरली में चैनलाइज करो, तो मुरली इतनी अच्छी आपको उस समय उसकी जैसे पूरी बात सामने आएगी कि आपको लगेगा कि ये सारी मुरली जैसे स्मृति में आ गई। मम्मा जैसे, मम्मा के लिए कहा जाता है माँ सरस्वती कैसे बने, और माँ सरस्वती का वरदान अगर चाहिए तो उस समय अपनी ऊर्जा जो हमने बाबा से लिया वरदान के रूप में उसको चैनलाइज करो। जिस भी विषय में आप उसको एकाग्र करेंगे, चाहे जो कुमारियां पढ़ाई में है वो पढ़ाई में अगर एकाग्र करेगी तो वो पढ़ाई में भी उसको उसके बाद मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी पावर होती है इसमें। इसलिए अगर सो गए तो वो क्या होगी, नींद में जैसे ही निद्रा में चले गए आप तो वो एनर्जी डाइल्यूट हो जाएगी। वो जो ऊर्जा आपने प्राप्त की वरदान के रूप में, जो आपने प्राप्त किया उसको चैनलाइज नहीं किया तो आप सो गए तो वो बिखर जाएगी। तो बिखर जाएगी अगर, तो जिस तरह से करना चाहते हैं वो फिर आप प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे भाई थोड़ी देर सोने के बाद फिर मैं उठ करके अगर ये करूं
तो तब तक तो कितनी ऊर्जा सारी बिखर गई आपकी, बह गई, वेस्ट हो गई, एक तरफ जमा किया दूसरी ओर बिखर गई। इसलिए वो बिखरनी नहीं चाहिए। इसलिए जैसे ही हमने प्राप्त किया उसके बाद उसको फोकस करो। मान लो कोई सब्जेक्ट पर आपको लेक्चर तैयार करना, उस पर फोकस करो। ऐसी उस समय पॉइंट्स आएगी दिमाग के अंदर, जैसे माँ सरस्वती आपको टचिंग कर रही है और माँ सरस्वती का वरदान जीवा को प्राप्त हो जाएगा। आप ये महसूस करके देखो, अनुभव करके देखो। उस समय आप उसको चैनलाइज करो अपने उसमें। ये नहीं कि वो बिखर करके वेस्ट चली जाए और उसके बाद आप फिर बैठेंगे कोई सब्जेक्ट के ऊपर, आपको भाषण करना है कोई सब्जेक्ट के ऊपर, आपको किसी को समझाना है, फिर आप सोचो कि अच्छा अब मैं बैठती हूँ, अब उठने के बाद फिर मैं बैठती हूँ उसको सोचती हूँ, नहीं आएगा वो चीज़। आप सीधा अमृत वेले के बाद बैठ करके उस पर फोकस करो तो वो सारी ऊर्जा उसको मिल जाएगी और आपका लेक्चर इतना अच्छा तैयार होगा। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है जो आपको मैं बता रही हूं कि अमृत वेले के बाद फिर सोना नहीं चाहिए। हाँ, कोई बीमार है, किसी को जरूरत है, बुजुर्ग है, कोई दवाई चल रही है, उसकी बात अलग है, उसके लिए मैं नहीं कहती हूं। लेकिन जो एनर्जेटिक है, जिसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जो बुजुर्ग अवस्था में नहीं है, उसके लिए तो ये सोना माना एक अलबेलापन में आ जाना, और जो आलस और अलबेलेपन के वश हुए तो नेचुरली वो शक्ति तो बिखर करके समाप्त हो जाएंगी, वो शक्ति आपको काम नहीं देंगी। इसलिए उसको प्राप्त करने के बाद उसको जहां आप लगाना चाहते हैं उसमें लगाओ। बहुत अच्छा आप जीवन के अंदर अनुभव करें, चाहे तो मुरली पढ़ो। उस समय मुरली नहीं पढ़ सकते, अच्छा कोई ना कोई सब्जेक्ट पर आप चिंतन करो, लिखो अमृत वेले के बाद। आप बहुत अच्छा लिख सकेंगे, कर सकेंगे, और आप खुद भी आश्चर्य खाएंगे स्वयं के ऊपर कि ये मैंने लिखा, ये मैंने किया, ये आपको उस समय महसूस होगा। इसलिए अमृत वेले के बाद सोना नहीं चाहिए, जो हेल्दी है उनके लिए। हाँ, बीमार है उसकी बात मैं नहीं करती हूँ, वो कोटों में कोई होते हैं। बुजुर्ग है उनकी बात मैं नहीं करती हूँ, दवाई लेते हैं उनको नींद आती है, वो बात अलग है। बाबा ने भी कहा था एक बार मुरली के अंदर कि कई बार कई लोग कहते हैं अरे दादियां हैं तो भी उनको भी तो नींद आती थी लास्ट लास्ट में, क्योंकि दवाइयां चलती थी। तो बाबा ने मुरली में कहा था कि उन्होंने अपने यंग लाइफ में इतना जमा किया हुआ है कि अब अगर थोड़ी देर उनको झुटका भी आ गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका माइनस नहीं होता है। इसलिए उनको नहीं देखो आप कि भाई उनको भी नींद आ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी यंग लाइफ में बहुत जमा कर लिया है, जितना भाग्य लेना चाहिए वो ले लिया है। इसलिए उनको नहीं देखो, तुम अपने आप को देखो कि इन उनों को जितना साल हुआ और तुमको कितना साल हुआ, ये चेक करो। उन्होंने जितना साल निकाला यज्ञ में तो प्राप्ति भी तो इतनी अधिक की है, और अभी हम लोगों को थोड़ा समय हुआ तो प्राप्ति भी तो हमारी थोड़ी है, तो हम अपने आप को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो दीदियों से दादियों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा समय अगर हमने कंपेयर करने में लगाया तो हमारा जो भाग्य प्राप्त होना है वो भी चला जाएगा। इसलिए अमृत वेले के बाद सोना नहीं चाहिए। हाँ, फिर दिन में आप एक घंटा सो जाओ, दिन में आप भोजन करने के बाद एक दो घंटा सो जाओ, वो बात अलग है, लेकिन सुबह के समय का पूरा लाभ लेना चाहिए। और इसी लाभ से आप जो प्राप्ति करना चाहो, जितनी ऊंचाइयों को छूना चाहो उतनी ऊंचाइयों को आप सहजता से छू सकते हैं। ये है अमृत वेले का विशेष महत्व। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।